उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने सदन में जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि विपक्ष ने सदन में लोकायुक्त का मुद्दा उठाया। लोकायुक्त के मामले पर विपक्ष ने सदन में नियम 310 के तहत चर्चा की मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत मुद्दा उठाने की स्वीकृति दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को लोकायुक्त नियुक्त कर जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। कांग्रेस बताएगा तुम लोकायुक्त लाओ तब ये लाएंगे। लोकायुक्त ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये नहीं लाएंगे। सारा रामलीला ग्राउंड सज गया था दिल्ली में, उस समय एक मुद्दा ही भ्रष्टाचार था लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर, लेकिन इन्होंने तो एक नारा दे दिया जीरो टॉलरेंस, उसके बाद ये आराम से सो गए। कोई काम इस राज्य में नहीं हो रहा है। कहते हैं काम मत करो तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, उसके बगैर भी तमाम जो घोटाले हैं वो खुल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने 3 महीने में लोकायुक्त गठन के सरकार के वादे पर सवाल उठाए। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब सरकार का गठन हुआ, गठन के बाद इसी सरकार ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। हमने तो नहीं कहा, सरकार ने कहा 3 महीने में लोकायुक्त लाएंगे। जब लोकायुक्त को जो है सदन के पटल पर रखा गया, तब भी कांग्रेस ने कहा कि हम इसे पारित करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लाते हैं कि लोकायुक्त को प्रवर समिति को भेज दिया जाए। लोकायुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाता है, चार चार बैठकें भी हो जाती हैं, लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति जो है भ्रष्टाचार से लड़ने की नहीं है, बल्कि जुमलेबाजी करने की है। जैसे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, वैसे यहाँ की सरकार भी जुमलेबाजी करती है। जो हमारे प्रतिपक्ष के मित्र हैं उनमें आपस में जितना तालमेल और सामंजस्य होना चाहिए था, शायद उनकी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी मतभेद, वो कहीं ना कहीं सदन के सामने नजर आ रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के जितने मित्र हैं वो जानते हैं कि खंडूरी जी का लाया हुआ लोकायुक्त कांग्रेस की सरकार ने उसको डेथ किया था, मारा था, और बाद में जब हम लोकायुक्त लेकर आए, ये वही प्रतिपक्ष था जिसने गंभीरता पूर्वक इस पर विचार तक नहीं किया, हमने स्वयं विचार के लिए प्रस्तुत किया। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि लोकायुक्त को लेकर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में मौजूद है और सरकार लोकायुक्त को लेकर गंभीर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।